मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कुछ बातें। मैं हूँ बिंजीर। आज है 12 दिसंबर और आज सम्राट की बर्थडे है। मैं धीमी आवाज में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि वो बात के लिए गया है उसको सुनाई ना दे। तो मैं अभी पापा के साथ निकल रही हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए केक लाना है और फ्लावर्स लाना है। तो चलिए मेरे साथ, मैं पापा के साथ मार्केट जा रही हूँ और अमायरा मम्मी के पास रह रही है। देखो, आज 3-4 दिन बाद धूप निकला है और इतना तेज धूप निकला है और अभी अमायरा बाहर बैठा हुआ है, बैठी हुई है अपने डैडा के साथ यहाँ पे। वो अभी थोड़ा सा धूप सेक रही है। तो चलो हम लोग जल्दी से चुपके से लेके आते हैं। फ्लावर शॉप है, यहाँ से मुझे फ्लावर मिल गया है। घर में जाके दिखाती हूँ कैसा फ्लावर है। मैं उसके साथ बात करने में इतनी बिजी थी कि मैं वीडियो उठाना भूल गई। चलो कोई नहीं, जाके दिखाते हैं कि मैंने क्या लिया है। अभी फिलहाल हम केक के वहाँ पे चलते हैं। किया है ये है कॉफी फ्लेवर, चॉकलेटी केक है। तो मुझे, मेरे ख्याल से उसको पसंद आएगा। तो इसमें पहले एटेनो पर नाम लिखा है मैंने कि हाँ, तो इसमें पहले मैं उसका नाम लिख देती हूँ। बोल के लिए और हमारे की मामू के लिए स्माइली वाला कैप। गाइस,
हम लोग केक लेके बहुत पहले घर घर आ चुके थे और मैं घर में आके बिरयानी पका रही थी। बिरयानी अभी इसमें चढ़ाया हुआ है, इसमें हमारा का पानी जो बॉयल होता है वो हो रहा है। और पापा तुमने अकेला अकेला अपने लिए चाय बनाया? नहीं, हमारे लिए भी बना लिया। तुम्हारे लिए नहीं बनाया, सिर्फ अकेले अकेले खा रहे हैं पापा चाय। और चलिए, मैं इस रूम का जो डाइनिंग टेबल था वो मैं और सम्राट की मदद से यहाँ पे सेट कर दिया है, क्योंकि केक यहीं पे काटने वाला है। और मैं यहाँ पे केक की जो मोंजिनिस की पैकेट है वो मैंने आके रखा है और प्लेट एक निकाला है यहाँ पे, अभी इसको हम सेट करेंगे। अभी सम्राट ने अभी तक केक देखा ही नहीं है और मम्मी ने उसको बता दिया था कि मैं केक लेने गई थी, तो सरप्राइज नहीं रहा उसके लिए। और वो भी बहुत ज्यादा गेस करते रहते हैं। तो तू इतना ज्यादा गेस क्यों करते हो तुम? तुम इतना ज्यादा गेस क्यों करते हो कि कौन कहाँ गया है, क्या करने गया है, सब कुछ गेस करने लग जाते हो? क्या करूँ, मैं बहुत टेंस्ड रहता हूँ सबके लिए। तो मैं ब्लॉग में मैं बहुत वरिड रहता हूँ सबके लिए। सबके लिए वरिड रहते हैं, मैं सबके बारे में हर वक्त सोचता रहता हूँ, कौन कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है। झूठ झूठ झूठ, सच बोल रहा हूँ मैं। मैं आप लोगों की तरफ से सम्राट को हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। आप लोग जब वीडियो देखोगे तब आप लोग करोगे। मैं मेरे सारे चैनल के सारे दोस्तों के मेरे हमारे फैमिली वाले के तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ तुम्हें। ओके, थैंक यू। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. वाह, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो ये क्या है? ये टोपी है। टोपी खुद पहन लो और एक अमायरा को पहना दो। मैं नहीं पहनने वाला ये टोपी, ये बच्चों वाला टोपी मैं नहीं पहनने वाला। थोड़ा उम्र का भी तो लिहाज करो। अभी हम केक काटने की तैयारी करते हैं। अमारा को भी मैंने रेडी कर दिया है और पापा मम्मी भी आ गए हैं और पापा ने यहाँ पे मोमबत्ती भी जला दिया है। अब जब तक मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाते तब तक इसको कट कर देते हैं। आइए चलो केक कट करो, शुरू करें। हाँ शुरू करो, गाना गाओ, गाना गाओ, गाना गाओ। गाना गाओ के पहले इसको फूंक से, अच्छा पहले फूंक करके बुझाना पड़ता है। और तुम्हारे बहुत दिन बाद केक काट रहा हूँ इसलिए मैं भूल गया हूँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा एक मिनट गाइस, मुझे इसका स्टील भी तो लेना है। धीरे धीरे कैमरा गिरा मत, तू इसका लॉक खोल दे क्योंकि स्टील भी तो लेना होगा, सिर्फ वीडियो से क्या काम चलेगा। ठीक है, ठीक है, किसी को गाना पता नहीं है। आप कंसिडर, वन टू थ्री स्टार्ट। पहले फिर से बोल दो, पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सम्राट, हैप्पी बर्थडे टू यू।
надежды не пугает меня тишина. Я весь твой, и сотни звезд окружает, и даже миллионы не сосчитают. इम्पोर्टेंट जो रिचुअल्स होते हैं जन्मदिन में पायस को खिलाना, हम पायस तो ला के रखे थे लेकिन केक कटिंग के चक्कर में सब लोग भूल गए थे, सब कैंडल के पीछे पड़े थे कैंडल को बुझा लेकिन अभी मम्मी पायस का इनॉग्रेशन भी कर देगी, तो ये रहा पीछे से खिला रही हूँ मम्मी, इसको खोल दो, मुझे एक लेना भी है एक पिक्चर, दो पायस ओपन के तो गाइस हमारा केक कटिंग हो गया है और हमने एक एक जो बाइट है वो केक का ले भी लिया है और हमारा का मैंने ड्रेस भी चेंज कर दिया है। अभी जो बात मैं बोल रही थी, मैंने जैसे बताया कि पायस खाने का रिचुअल्स होता है, एक्चुअली पायस मतलब उसको खीर बोलते हैं, तो जन्मदिन में जो खीर है वो सबसे मतलब बंगालीज में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मम्मी सुबह उठ के उसको बनाती है और वो अपने बच्चे को खिलाती है, तो ये एकदम फ्रेश होता है और दूध का बनाया जाता है, इसमें ड्राई फ्रूट और चावल से बनाया जाता है ये। तो ये जो खीर है ये बच्चों के लिए मतलब कहते हैं कि बहुत शुभकामनाएं लेके आते हैं, ये खीर बहुत शुभ होता है, मतलब कोई भी शुभ अनुष्ठान या कोई भी अच्छे काम के लिए दूध या दही का इस्तेमाल होता है। देखिए हमारा कैसे डिस्टर्ब कर रही है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। तो दूध या दही का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी होता है, सम्राट एक मिनट के लिए इसको संभालो। तो जन्मदिन में भी खीर का इस्तेमाल बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। तो ये जो खीर है ये मम्मी ने बनाया था सुबह सम्राट के लिए, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बंगालीज को तो पता ही है कि पायस जो होता है वो मम्मी के हाथ के बनाया हुआ पायस से ही जन्मदिन की शुरुआत होता है। तो सम्राट ने सुबह ब्रेकफास्ट तो कर लिया था लेकिन पायस बन चुका था और थोड़ा सा उसने टेस्ट भी किया था, लेकिन फिर हमने सोचा था कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें दिखाने की जरूरत है, लेकिन सुबह मतलब मैं अमायरा को संभाल रही थी तो उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये होता है पायस की महत्वपूर्णता जो मुझे आप लोगों को बताना था। अभी बिरयानी बन चुका है और अभी मैं सलाद बना रही थी, तो मैं भूल गई थी आप लोगों से सलाद की रेसिपी शेयर करना। सलाद जो है वो बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं, मतलब खास करके बिरयानी के साथ बनाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी उसको कट कैसे करती हूँ और उसको बनाती कैसे हूँ, क्योंकि उसका एक थोड़ा सा स्पेशल सा रेसिपी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और खा के बताएंगे ये लोग कि कैसा बना है, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम है, हम लोग अमायरा को लेकर चारों जने एक साथ बैठ के लंच नहीं कर सकते क्योंकि अमायरा को किसी न किसी को संभालना ही होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन पहले बैठता है, तो फिर मैं तब आप लोगों से बिरयानी शेयर करूंगी। बर्थडे बॉय खाने के लिए बैठा है, देखते हैं कि बर्थडे बॉय को कैसा लगता है बिरयानी। अच्छा बना है बिरयानी, टू बी ऑनेस्ट अच्छा बना है, एकदम दिल पिघल गया। अरे बाप रे, मैं कभी जोमैटो से बिरयानी कभी ऑर्डर ही नहीं करने सीरियसली। इतना भी मत चढ़ाओ मुझे चढ़ने की झाड़ में चढ़ा रहे हो क्या अच्छा तो बना है
और सैलड देखो, सैलड कैसे बनाए बोलो। सैलड भी अच्छा बना है, सैलड थोड़ा मुझे अलग सा बन रहा है, ऐसा सैलड पहले घर पे तो कभी बनता नहीं था। नहीं, मैं ये दूसरा सैलड ट्राई करती हूँ, लेकिन इसमें मैं वो देती हूँ ना, वो क्या कहते हैं तेतुल के, की बोले पापा, इमली देती हूँ, लेकिन इमली अभी खत्म हो गया, इमली देती तो और भी ज्यादा टेस्ट होता। तो अभी मैं और मम्मी बैठी हूँ खाना खाने के लिए, देखते हैं खाके। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा नमक कम हो गया। ठीक हो चुके तुम्हारा, लेकिन टेस्टी लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है मम्मी। सलाद भी अच्छा ही लग रहा है। तो गाइस, आज का रात का डिनर हमारा रेडी है और डिनर हम आपको दिखाने वाले हैं। आज सब लोग दोपहर को बिरयानी खाए थे, इसीलिए सोचा था कि रात को रोटी जैसा कुछ खाया जाए। तो मम्मी को हमने मना किया कि घर में रोटी मत बनाइए, क्योंकि हमें तंदूर खाने का मन कर रहा था, मतलब तंदूरी रोटी खाने का मन कर रहा था। क्योंकि जो बिरयानी की मैंने वो बनाया था, जो मटन मैंने बनाया था बिरयानी का, उसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा बच गया था, तो इसीलिए पापा ने कहा तो तंदूर ऑर्डर कर देते हैं, फिर ग्रेवी के साथ अच्छा लगेगा। तो क्या सिर्फ हम ग्रेवी के साथ खाएंगे? बिल्कुल नहीं, मम्मी का स्पेशल और एक चीज बना है आज डिनर में, वो हम आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग डिनर में क्या क्या खा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है तंदूरी रोटी और उसके साथ मम्मी स्पेशल चिकन रोस्ट और मेरी मटन का ग्रेवी और सैलड जो है वो अभी मैं काटने वाली हूँ और इसके साथ सैलड। और इसमें सोच रहे होंगे आप लोग कि क्या है, इसमें है बटर नन जो सम्राट अपने लिए मंगवाया है, क्योंकि हमें बटर नन नहीं खाना है, हमें तंदूरी रोटी खाना था चिकन रोस्ट के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम डिनर कर लेते हैं।